हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस झलवा। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नागरिकता। यहाँ से बहुत ही फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। बच्चों में इस टॉपिक को लेकर जिज्ञासा बहुत रहती है। उसके दो कारण हैं, एक तो भरपूर मैटर कहीं पर मिलता नहीं, पूरा कम्प्लीट मैटर, दूसरा इसमें जो विभिन्न संशोधन हुए हैं उसको लेके बच्चों में अक्सर परेशानी रहती है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, हम इसे कैसे पढ़ें। तो आइए एक शुरुआत करते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। अब देखिए, इसमें लिखा है नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी चिंतक अरस्तु ने किया था। पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि इस एक लाइन से कैसे तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे, नागरिकता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। ये हो गया। अरस्तु किस देश का चिंतक था, किस देश का रहने वाला था? यूनान का। तो ये एक तरीका है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नागरिकता के बारे में भूमिका बनाते हैं। लिखा है, बिना मानव समुदाय के किसी भी राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हर राज्य में अपने नागरिकों को परिभाषित करने का अलग अलग आधार है। यहां राज्य का तात्पर्य आपको बता दूं, देश से है, जैसे भारत, पाकिस्तान। आगे देखिए, दरअसल नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय मानव संसाधन समुदाय का एक हिस्सा है जो आपको आपके देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक पहचान देता है। नागरिकता के बल पर ही आप किसी शासन व्यवस्था के अधीन आते हैं और उस व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं। इसीलिए नागरिकता की परिभाषा बहुत व्यापक है और नागरिकता के आधार में उस देश का राजनैतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व छुपा होता है। नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनैतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हों और राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हों, जैसे हम और आप। आगे देखते हैं, जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें विदेशी नागरिक कहा जाता है। कौन से अधिकार? राजनैतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। जिन्हें ये प्राप्त नहीं होते उन्हें विदेशी नागरिक कहा जाता है। विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हमारे मित्र हैं, विदेशी मित्र, दूसरे जो विदेशी शत्रु हैं। इसमें कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे अनुच्छेद 22 के तहत जो विदेशी शत्रु हैं, अनुच्छेद 22 के तहत उन्हें गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। प्रशासन, सेना उन्हें कभी भी नज़रबंद कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, इसके विरुद्ध वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो नागरिकता दो प्रकार की होती है, एकल और बहुल। संघीय देशों में, भारत एक संघीय देश है, अमेरिका एक संघीय देश है, संघीय देशों में नागरिकता बहुल दोहरी होती है। जैसे अमेरिका में क्या प्रावधान है कि एक नागरिकता तो आपको उस राज्य की लेनी होगी जिस राज्य के आप नागरिक हैं और दूसरा केंद्र की, संघ की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। आगे देखिए, भारत एक संघीय देश होते हुए भी, भारत कैसा देश है? संघीय होते हुए भी यहां नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता किस देश से दी गई है? ब्रिटेन। तो भारत में जो एकल नागरिकता है, यानी जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद के किसी गांव में रहते हैं और वहां का राशन कार्ड बना है, तो आप इलाहाबाद के भी नागरिक हैं ऑटोमेटिक, आप उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं और भारत सरकार के भी नागरिक हैं। अब आगे देखते हैं कि संविधान में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें संविधान के भाग 2 में जाना होगा और
किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में, ये नागरिकता के बारे में प्रावधान है। अब अगर आप ग्रुप डी ग्रुप सी वगैरह की तैयारी करते हैं तो अभी तक जितनी बातें बताई गई एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन और ऊपर की अगर आप परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग UPSC या PCS वगैरह की देना चाहते हैं, NDA CDS की देना चाहते हैं, तो अब उसके आगे की चीजें आपको पढ़नी होंगी। जैसे अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता यानी इलिजिबिलिटी से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता की पात्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 10। फिर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि किस अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता की परिभाषा तय कर सकता है, तो अनुच्छेद 11। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में वो कौन सी संस्था है जिसे नागरिकता करने का अधिकार दिया गया है, तो आप बता सकते हैं संसद। अब यहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये लाइन मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस संविधान में कहीं भी क्या परिभाषित नहीं किया गया है, नागरिकता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान देने वाली चीज है। तो आखिर नागरिकता परिभाषित कब हुई, तो मैंने अभी पहले बताया था कि नागरिकता को परिभाषित करने का अधिकार संविधान ने किसे दे दिया था, संसद को दे दिया था। अब इसी से रिलेटेड संसद ने कब कानून बनाया है, तो पहला कानून बना भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, याद रखिएगा नागरिकता को तय करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था, जो कुछ संशोधनों के साथ वर्तमान में भी क्या है, प्रभावी है। आगे चलकर इसमें कई बार संशोधन भी किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार इसमें संशोधन कब किया गया, 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में एवं 2019 में, इतनी बार इसमें संशोधन किया गया। आगे देखते हैं, अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहता क्या है कि एक इंसान कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, 5 प्रकार से, याद रखिएगा। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण यानी पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। अभी हम इन पे एक एक करके चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं। तो ये 5 प्रकार थे जिनसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार को ये पूरा अधिकार है कि आपके कुछ कार्य अगर ऐसे होते हैं तो आपको नागरिकता से सरकार क्या कर सकती है, वंचित भी कर सकती है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिनके कारण आपको भारत की नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, पहला है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पे, यानी संविधान पे आपका भरोसा नहीं है और आप उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान कर रहे हैं। दूसरा है अगर आप लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर हैं बिना भारत सरकार को किसी प्रकार की सूचना दिए। तीसरा है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यानी भारत और किसी देश का युद्ध हो रहा हो और आप उस देश की मदद कर रहे हैं। चौथा है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, यानी फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह आपने दिखाया हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाया हो, तो बाद में जब इसकी जानकारी सरकार को होगी तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब आते हैं पांचवा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के भीतर, यानी आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की है किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और जब आपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की है इस प्राप्ति के 5 वर्ष के भीतर किसी देश ने आपको 2 वर्ष की अगर सजा दे दी, मान लीजिए आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की और आप इटली गए
जर्मनी गए, ब्रिटेन गए और वहाँ पे कुछ ऐसे कार्य किए जिससे आपको 2 वर्ष की सजा प्राप्त हुई, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, नोट हैं। संविधान में कुछ पद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों द्वारा ही धारण किए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महान न्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये पद केवल भारत के नागरिकों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब विस्तृत चर्चा करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों और उसमें हुए संशोधनों और अपवादों के बारे में। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर नागरिकता अधिनियम 1955 बना, फिर इसमें कौन सा संशोधन हुआ, उस संशोधन से क्या प्रभाव पड़ा। तो एक एक करके अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म से नागरिकता, यानी नागरिकता प्राप्त करने का पहला तरीका है जन्म से नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है? संविधान कहता है कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो स्वतः भारत का नागरिक होगा। तो ये शर्त है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे पहला, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, मान लीजिए जब भारत आजाद हुआ या आज की तारीख में इटली का कोई राजदूत एम्बेसडर भारत में रहता है और उसको बच्चे होते हैं भारत में, तो क्या वो भी भारत के नागरिक हैं? नहीं। दूसरा, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, अब अगर वहां कोई जन्म लेता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं। लद्दाख का एक हिस्सा है अक्साई चीन, वो चीन के कब्जे में, अगर वहां कोई जन्म लेता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं। ये अपवाद है। आगे देखते हैं, जन्म से, अब ये जो जन्म से नागरिकता का प्रावधान था इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ क्योंकि बड़े पैमाने पे घुसपैठिए भारत आई, अतः इस प्रक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक था। अब वो लोग करते क्या थे, भारत में आ जाते थे और जब उनके बच्चे भारत में जन्म लेते थे तो वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाते थे। कुछ प्रावधान ही ऐसा था 1955 के अधिनियम में। अब इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 बनाया। अब इसके बारे में देखते हैं। इसके तहत, अब ये 1986 का अधिनियम क्या कहता है, इसके तहत व्यक्ति के जन्म, यानी भारत में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका पिता उस समय भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यहाँ पर याद रखिएगा, पिता का प्रावधान किया गया है, माता का प्रावधान नहीं किया गया है। माता का प्रावधान अगले संशोधन में किया गया 1992 में। ये बड़ा सेंसिटिव, बहुत बारीक है। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में माता की, अब माता का प्रावधान कर दिया गया, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो 86 में पिता और 92 में माता। पंजीकरण, रजिस्ट्रीकरण से, पंजीकरण आवेदन की तिथि, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो तभी आप पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती। याद रखिएगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे आप 100 साल से भारत में रह रहे हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब कर सकते हैं, यानी अप्लाई करने से 5 साल पहले से आपको भारत में रहना पड़ेगा। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, यानी मान लीजिए कोई भारतीय हैं और वो विदेश में रहते हैं तो उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं बनेंगे तब तक जब तक वो रजिस्ट्री
रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर देते हैं। चौथा है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं। तो भारत राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा है, पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा है, बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा है, म्यांमार राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा है, कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर ब्रिटेन कभी शासन करता था, जो ब्रिटेन के अधीन शासित थे वही राष्ट्रमंडल देश कहलाएंगे। देशीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसके द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क यानी 18 साल से ऊपर है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। उसे केवल सरकार के सामने ये साबित करना होगा कि वो पिछले 10 सालों से भारत में निवास कर रहा है। पांचवा है, भूमि अर्जन के द्वारा। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत सरकार चीन से अक्साई चीन वाला हिस्सा ले लेती है या पाकिस्तान से पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेती है, जीत लेती है या उसका विलय भारत में कर लेती है, तो उसके नागरिक स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, इस कानून में 86 का संशोधन आपने देखा, 1992 का संशोधन आपने देखा, अब 2003 का संशोधन देखिए। तीन का संशोधन किसके कहने पे लाया गया? तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, भारत सरकार इनसे बड़ा विचार विमर्श करती थी। आपको याद होगा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 संसद से पारित कराया। अब इसमें क्या चीज थी? इसमें एक कंसेप्ट दिया गया था, सीमित रूप में दोहरी नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह हुआ था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसमें सरकार ने यह रियलाइज किया कि मान लीजिए भारत के बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे देशों में बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हैं और राजनैतिक रूप से भी मजबूत हैं, तो क्यों ना उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मॉरिशस में रहता है, मॉरिशस का नागरिक है, मैक्सिको का नागरिक है, तो वो वहां की नागरिकता के साथ साथ भारत की भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी को कहा गया सीमित रूप में दोहरी नागरिकता। ऐसा भारत सरकार ने उस समय 16 देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता दी। ये देश कौन कौन से हैं? जैसे इंपॉर्टेंट देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड। अब इन्हें नाम क्या दिया गया, क्या संज्ञा दी जाएगी इन लोगों को? इन्हें नाम दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। संक्षेप में कभी कभी इन्हें ओसीआई भी कहा जाता है, याद रखिएगा आगे काम आएगा आपके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इन्हें सुविधा क्या रहेगी? ये बिना पासपोर्ट के भारत में आ जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे उन्हें मताधिकार, मत देने का अधिकार नहीं रहेगा, ना किसी संवैधानिक पद को धारण करने का अधिकार रहेगा। ये सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सीमित नागरिकता, दो देश ऐसे हैं जिनको नहीं दी गई, यानी कोई व्यक्ति भारत का बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहता हो, अप्रवासी भारतीय हो और वो सोचे कि सीमित दोहरी नागरिकता का लाभ वो भी ले सके, तो ये संभव नहीं। तो अपवाद कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश एवं पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें संशोधन कब हुआ, 2005, 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 संसद से पारित हुआ।
जिसके तहत कोई भी प्रवासी भारतीय जो किसी ऐसे देश में रह रहा हो जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, उन्हें OCI सुविधा मिलेगी। 2003 और 2005 में क्या अंतर है? 2003 का प्रावधान कहता है कि अप्रवासी भारतीय जब भारत में दोहरी नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे तभी उन्हें दोहरी नागरिकता मिलेगी, लेकिन 2005 का अधिनियम कहता है कि अगर विश्व के किसी भी देश में जैसे मॉरिशस या USA है वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी वहाँ की सरकार ये मान के चलती है कि ये व्यक्ति अगर भारत का भी नागरिक बन सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तो ऐसे देशों के अप्रवासी भारतीयों को भी भारत सरकार दोहरी नागरिकता दे सकती है स्वतः ऑटोमेटिक। अब देखिए 2005 के अधिनियम में भारतीयों को दो वर्गों में बांटा गया, दो हिस्सों में, एक PIO जैसे हम आप। PIO का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है और भारत के ही नागरिक हैं जैसे हम और आप। OCI का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी रहने वाले 100, 150, 200 साल पहले वो भारत से बाहर कहीं गए हैं और किसी अन्य देश के नागरिक हैं, तो उन्हें अब किस कैटेगरी में रखा जाएगा? OCI, विदेशों में जन्मे भारतीय मूल के व्यक्ति। ये दो हिस्से, दो कैटेगरी बनाएगी। 2015 नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्च 2015 में इन दो वर्गों को समाप्त कर दिया, अब दोनों का एक ही में विलय कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में PIO और OCI का क्या कर दिया गया? विलय, दोनों एक हो गए। आगे देखिए, अब जो सबसे विवादित मुद्दा रहा है वो रहा है CAA, अक्सर आजकल आप समाचारों में सुने होंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इसमें वर्तमान सरकार ने क्या किया, ये विधेयक 2016 में संसद में रखा गया था। पहले लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा से पारित हो गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, तब तक लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक भी अपने आप समाप्त हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस विधेयक को दोबारा चुन के आई मोदी सरकार ने संसद में रखा, तो इसका नाम पड़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। याद रखिएगा, पहले ये विधेयक किस नाम से जाना गया था? 2016 के नाम से, ये निरस्त हो गया। अब ये किस नाम से जाना जाता है? 2019 के नाम से। और ये बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? इसमें लिखा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई। ध्यान रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्म को मानने वाले, यानी इस धर्म के वो नागरिक जो इन देशों में रहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल देश है, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। तो भारत सरकार कहती है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज 6 साल, याद रखिएगा, इनको छूट क्या दी गई है कि और लोगों को तो 12 साल पहले भारत में रहना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं बांग्लादेश से आया और मैं पहले रहता था भारत में, कितने साल रहा? 12 साल। अब इस 12 साल को दो हिस्सों में बांटते हैं, 11 + 1, 12 हो गया। यानी ये 11 साल मैं भारत में रहूं और भारत से बाहर आता जाता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक साल में मुझे लगातार 365 दिन भारत में रहना होगा। थोड़ा ये कठिन शर्त है, शायद इसी कारण अक्षय कुमार जैसे लोग अभी तक भारत के नागरिक नहीं बन पाए हैं, नहीं बन पाए हैं। अब देखिए, इस कानून में थोड़ा इन लोगों को रियायत दी गई है। रियायत ये है
कि 12 के बजाय इनको कह दिया गया कि अगर आप 6 साल भारत में गुजारे होंगे और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद था। और ये लोग यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध लीगल डॉक्यूमेंट्स के भी भारत आए, माने चोरी छुपे भी आए हैं और उनके पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या मान लीजिए वीजा लेकर आए और उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई, तो भी इसे अवैध नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उन्हें भारत से निर्वासन यानी निकाला नहीं जाएगा। बस इसी को लेके, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है शायद, इसी को लेके सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। खैर, आगे देखना होगा कि क्या ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो पाएगा कि नहीं। नंबर एक, तो पहली चुनौती तो राज्यसभा है। दूसरा, ये अगर पारित हो गया तो इसके साथ एक संवैधानिक समस्या ये आ जाती है कि हमारे मौलिक अधिकार, चूँकि पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, और उसमें एक अनुच्छेद है 14 जो समानता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है विधि के सामने, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया तो इसे जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून पर रोक भी लगा सकता है कि ये क्या किसी विशेष वर्गों के लिए है या सभी वर्गों के लिए है? तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैंने पूरी कोशिश की कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से नागरिकता जैसी जटिल समस्या और विषय को आपके सामने रखूं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा दो टॉपिक, एक नागरिकता और एक दल बदल कानून से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।